समाज के बंधुगण, मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश में या विश्व में मनोरंजन होता है, हम आपस में एक दूसरे को एंटरटेन करें, एक दूसरे की संस्कृति को बताएं, लोगों के मस्तिष्क पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े और आम जन देश की राष्ट्रीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं के साथ मनोरंजन कर अपने परिवार में और देश में और समाज में एक अच्छे वातावरण में रहें। ये पद्मावती फिल्म का विवाद पिछले एक वर्ष से चल रहा है और उससे ज़्यादा समय से चल रहा है, आज तक वो सुलझा नहीं। आज समाज में हम किसी प्रकार के एक बहुत बड़े वर्ग को पीड़ित करके, दुखी करके या किसी प्रकार से उसके मनोभाव पर ठेस पहुंचाकर अगर किसी अन्य समाज के और वर्ग को मनोरंजन को लेकर उसके मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं कि ये देश के लिए हित में नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से सीधा अपील करता हूं और खासकर जो इस विभाग के मंत्री है जो इस संदर्भ को देखते हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि हम एक समाज के इतने बड़े वर्ग को जिसने देश की आज़ादी से लेके देश के समय समय के कार्यकाल में देश के गौरव की गाथाएं लिखी है उसके वंशजों को दुख देके किसी का मनोरंजन करें यह अव्यवहारिक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसमें भारत सरकार आ गया है और इसमें कुछ ऐसा निर्णय लें जिससे समाज के उस वर्ग के लिए लगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ किया है, अन्यथा एक राज्य में हम फिल्म को प्रतिबंधित करें फिर दूसरे राज्य में प्रतिबंधित करें और देश की सरकार मौन रहे और देश में अलग अलग जगह अलग अलग प्रदर्शन हो, देश की अन्य परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो और आप चुप रहे, ये देश के लिए अव्यवहारिक है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें आगे आए और इसमें निर्णय लें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।